ये न्यू बोलिया रे जहां निर्दोष सताए जा लोगों जहां निर्दोष सताए जा तो फिर बलवानों का क्या होगा। और जो दान नहीं दे देश के हित में, जो प्राण नहीं दे देश के हित में, जो दान नहीं दे देश के हित में, ऐसे धनवानों का क्या होगा। जहां निर्दोष सताए जाते बलवानों का क्या होगा। जो दान नहीं दे देश के हित में, धनवानों का क्या होगा। जहां निर्दोष सताए जाते सुनना। महात्माओं से शुरू किया है और कहां तक पहुंच गया कभी। डाकू चोर बने साधु भगवा बनों का क्या होगा। जब चेल इनकी इज्जत लूटे इन भगवानों का क्या होगा। भाई बहुत बहुत धन्यवाद, समझ गया इसका मतलब। तो बिना पढ़े पानी पढ़ते, बिना पढ़े पानी पढ़ते इन मस्तानों का क्या होगा। और हस्तरेख जज दिखा रहा पागल खानों का क्या होगा। और हस्तरेख जज दिखा रहा पागल खानों का क्या होगा। जो पाखंड न खत्म हुआ तो विद्वानों का क्या होगा। जो दान नहीं दे देश के हित में, धनवानों का क्या होगा। जान दोष सताए जा। पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं हूं लेकिन बख्शूंगा किसी नहीं है, सबकी एक एक लाइन जो सच्चाई है वो कहूंगा। हे सरदारों, इन चार लाइनों में बहुत कुछ छुपा है जो आगे की कह रहा हूं, जरा ध्यान दे के सुनना। जहां अच्छी लगे वहीं इस शहीद से भी तुलनात्मक कह रहा हूं, इन शहीदों से भी तुलनात्मक कह रहा हूं, जरा ध्यान देना। जो राम राज की बात करे, जितनी भी देश में राजनीतिक पार्टी हैं, जितनी भी भले ही जिस पार्टी के लोग बैठे हैं मुझे कोई परवाह नहीं, जितनी भी A to Z जितनी भी देश में राजनीतिक पार्टी हैं, सब कहती हैं हमारी सरकार लाओ, बस फिर कुछ कोई तो दिक्कत नहीं है। लेकिन तुमने सब वर्त लिए, बताओ कहीं भार में शेरों मिलियो। इसलिए सरदारों जरा ध्यान देना, जो राम राज की बात करे इन अरमानों का क्या होगा। नित नए घोटाले हो रे उत्थानों का क्या होगा। गुरु जी आराम आराम से। धन किया जमा विदेशों में, ओ सरदारों दो लाइनों पर फोकस कर जाना। धन किया जमा विदेशों में इन बेईमानों का क्या होगा। अभी मत बजाओ, तुलना कर रहा हूं जरा ध्यान देना जब बजाना। धन किया जमा विदेशों में उन बेईमानों का क्या होगा।
के हित में प्राण दिए उन बलिदानों का क्या होगा जिन्हें देश के हित में प्राण दिए उन बलिदानों का क्या होगा जड़ काटे ये जड़ काटे रहे सींच पात ऐसे वरदानों का क्या होगा जो दान नहीं दे देश के हित में ऐसे धनवानों का क्या होगा जहां निर्दोष सताए जा हे सरदारो तुम तो भेड बना लियो हो भेड किसी पे कमल के फूल की मोहर लग रही है किसी पे हाथ के पंजे की लग रही है किसी पे हाथी की लग रही है किसी पे साइकिल की लग रही है मैं दिल से बोल रहा हूं एक तरह से रो रहा हूं सुनो एक तो भगत सिंह था जिसने देश के लिए प्राण दे दिए और एक एक विजय माल्या है जो हजारों करोड़ों की संपत्ति लेकर के गरीबों के पैसे को लेकर के चला गया नीरव मोदी और ललित मोदी जैसे बेईमान लोग धिक्कार करते हैं ऐसे व्यक्तियों को और सरदारों ये कह दूं ऐसे चौकीदार के लिए भी धिक्कार है जिसकी चौकीदार चौकीदारी में चोरी हो जाए डकैती हो जाए तो फिर ऐसा भी चौकीदार कहीं तक बेहतर नहीं लगता और हे सरदारों यही नहीं मैं कोई बीजेपी की बात कर रहा हूं कांग्रेस देख लीजिए वहां भी 2G 3G 4G 5G 6G पता नहीं कहां तक जी पहुंचा दी और किसी के भी देख लीजिए इसलिए एक ही बेल के तुमरा है जाकी चढ़ जा हुई चढ़ा दे अपनी और पहना के तैयार बैठे कब नंबर आवेगा तीसरी बात नौजवानों के लिए कहना चाहता हूं तीसरी कली में भाइयों बदल जाओ युग बहुत बदलने वाला है मैंने चौधरी चरण सिंह की एक पुस्तक पढ़ी है हे सरदारो अगर मैं अपने जीवन में इस छोटी सी जिंदगी में मेरी 37 साल की आयु है अगर इस देश में किसी को अपना आदर्श नेता मानता हूं या तो नेता कहलाने का अधिकारी सुभाष चंद्र बोस था और अगर उसके बाद मुझे कोई व्यक्ति लगता है तो वो चौधरी चरण सिंह लगता है मैं खुले मन से कहता हूं मुझे कोई दूसरा व्यक्ति दिखाई नहीं देता वो चौधरी चरण सिंह जिसकी मर जाने के बावजूद भी इन्होंने कहा किसका बैंक अकाउंट चेक करो प्रधानमंत्री रह लिया बहुत पैसा होगा और जब बैंक अकाउंट चेक किया गया 162 रुपया मिले जो व्यक्ति प्रधानमंत्री रहा हो और 162 रुपया रहे मैं तो कई कई बार सलाम करता हूं चौधरी चरण सिंह को किसी ने पूछा कि दल कौन सा अच्छा होता है नेता कौन सा अच्छा होता है तो चौधरी चरण सिंह ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि जिसकी नीयत साफ हो वो नेता अच्छा होता है और जिसकी नीति अच्छी हो वो दल अच्छा होता है हे सरदारों हम तो ऐसे महापुरुष की प्रणाम करने वाले व्यक्ति हैं पर नौजवानों अगर चौधरी चरण सिंह को अपना आदर्श बनाना चाहते हो तो मैं एक लाइन आपके लिए कह रहा हूं और वो कौन सी है जरा सुनिए करे नकल रख दे पिस्टल अब इम्तानों का क्या होगा कॉलेज छोड़ फिल्म देखे इन नौजवानों का क्या होगा भक्षण करे अभक्ष पदार्थ मिष्ठानों का क्या होगा तुम ईमानदारी से धर्म से झूठ मत बोलियो कोई रिश्तेदार आ जाए 5 किलो मिठाई बर्फी ला के धर दो इतनी सी ना खावे और देसी को पौआ ला दे क्योंकि बाबा बहुत सेवा करी हो बा कमाल कर दिया क्योंकि बाबा ऐसा रिश्तेदार तो भाई हद भैगी आगे की लाइन पे ध्यान देना जो कह रहा हूं भक्षण करे अभक्ष पदार्थ मिष्ठानों का क्या होगा दिल 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 दे दिया दिल रुबा को इन दीवानों का क्या होगा जब दिल दे दिया दिल रुबा को इन दीवानों का क्या होगा जितने भी फिल्मी गाने आवे प्रताप भाई सब में दिल दिल दे दिया
दिल ले लिया, दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई इधर गिरा कोई उधर। भैया दिल है या चना की बोरी है जो फैलता ही जा रहा। और एक बात बताऊं, ना दिल दिया जा सकता ना लिया जा सकता। भाई साहब कोई साबित कर दो, ना दिल दिया जा सकता और ना लिया जा सकता है। दिल के टुकड़े हजार हुए, दिल देना दिल लेना सौदा खरा खरा है तेरी। और इस दिल की बीमारी हो गई लोगों को, बोलो हार्ट अटैक से मर रहे कि ना मर रहे। और 20 साल पहले का ही कि हार्ट अटैक हो, 25 साल पहले हो तो बता दो। हे सरदारो, दिल दे दिया दिल रुबा को दीवानों का क्या होगा, जो वेदों के विपरीत चले उन व्याख्यानों का क्या होगा, जो दान नहीं दे देश के हित में धनवानों का क्या होगा, जान दोष सताए जान। बुढ़े के लिए भी तुम भी सुन लो। करें भजन मन तोड़ रहा, ऐसे ध्यानों का क्या होगा, भक्त बने हिस्ट्री सीटर इन सैतानों का क्या होगा। मैं रुकियो, एक बात ध्यान आ गई। तुमने एक बात तो सुनी होगी पहले कि भाई रिश्तेदार रिश्तेदार की नहीं बनती, बाप बेटा की नहीं बनती, भाई भाई की नहीं बनती। पर अब एक नई चाल चलन चली है। अब क्या कह रहे हैं लोग बाग कि अब तो औरत की और मर्द की ना बने आपस में, घर वाली की और घर वाले की ना बने। पर बने क्यों ना भाई सरदारों, मैं सबकी तो नहीं कहता लेकिन ज्यादातर यही हो रहा है। क्यों हो रहा है? एक ऐसा हो, एक घर वाले में और घर वाली में बड़ी लड़ाई रहे, और घर वाली तो जा राम रहीम के डेरा में और ऊजा निर्मल बाबा के वहां। एक दिन वहां को माइक पे नंबर आ गो घर वाले को, और बाबा के सामने सतपाल जैसा छोटू भैया, और रो भाई बाबा के सामने का बाबा 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 ने कहीं रो तो ही रहेगा या कुछ कहेगो भी, यू का घर वाली बात ना माने। वहां कई कृपा रुकी हुई है, वहां कही तो फिर कैसे करूं कहा करूं कि 21,000 की पर्ची कटवार कृपा नहीं शुरू। वान कही बाबा पर्ची तो काट दे चाहे मेरी 51,000 की, पर बहु बात माननी चाहिए। बोले कृपा देनो तो मेरो काम है ना। वान बेचारे ने बहु के बनने के नहीं आ तो 51,000 की पर्ची कटवाई। और वान कही बाबा बहु माने की कृपा आ जाएगी, बोले जानते ही कृपा आवेगी, पर एक काम करियो अब अपनी बहु की प्रशंसा करियो, बड़ाई करियो। वाकी बोले ठीक है, और लेके बाबा पे ते आशीर्वाद झट घर के चले आयो। और आके वहां कही घर वाली तक, भगवान जल्दी भोजन ला, भाई भूख लग रही है बहुत ज्यादा भूख लग रही है। वहां कही जी सुबह के गयो, चिंता मत करो अब लाई। वहां 5 मिनट में सुनील भैया 5 मिनट में ही और ला के भोजन पति परमेश्वर के सामने रख दिए। और वहां एक टूक तोड़ के मुंह में दियो, इतने ही बाबा की जयपाल, इतने ही बाबा की बात याद आएगी। एक भाई घर वाली की तो बड़ाई करनी है, झट छोरा शुरू है वो। वान कही रहा बहुत जोर की सब्जी बनाई है, इतनी गजब की सब्जी बनाई है तेने आज, इतनी बढ़िया सब्जी तो कभी मेरी माँ पे भी ना बनी जितनी बढ़िया सब्जी तेने आज बनाई। और फिर वान कही तू माँ की तो बात छोड़, भाई इतनी बढ़िया सब्जी तो मेरी दादी पे भी ना बनी कभी जितनी बढ़िया तेने आज बनाई है। और फिर छोरा ने कही कि मैंने देश विदेश में बड़े बड़े भंडारे खाए, बड़े बड़े सर्वपाल सर्व खापन के मैंने भंडारे खाए, भाई इतनी बढ़िया सब्जी तो कहीं भंडारे में भी ना मिली जितनी बढ़िया तेना आज बनाई। और फिर है ही ना रखियो, वहां ने कही मैंने तो लखनऊ में और दिल्ली में बैठ के बड़े बड़े होटल 5 स्टार होटल में भोजन करे हुए, भाई इतनी बढ़िया सब्जी तो 5 स्टार होटल में भी ना मिली जितनी बढ़िया तेना आज बनाई। बस सरदारों घरवारी गई किचन में और लाए के बेलन और वान कही भाई पीठ क्यों रही है कि कृपा दे रही है कि जो तो बता पीठ क्यों रही है। तो बहू ने कही निकम्बे 25 साल है गे तेरी रोटी पोते पोते,
परेशान है कि बुढ़ापा आगो तेने आज तक बड़ाई ना करी और आज पड़ोसन पे ते एक कटोरी सब्जी मना मांग लाई तो वह निकम्बी की प्रशंसा ले। बोलो यू ही ना है रहो तो मैं झूठ बोल रहा हूं तो कहो मेरे सामने। मैं सरदार एक उपदेशक होने के नाते शहीद के इस उस पे अच्छी बातें जहां मिले, नवरात्र चल रहे अच्छी बातें जहां मिले वही सत्संग है भाई, ऐसो मत करो। गुरडमबाद को खत्म करके और इस देश को नेता नहीं बचाएंगे, याद रखना ना पहले नेताओं पे बचा और ना आज बचे। जिस दिन तुम खड़े हो जाओगे, आम आदमी खड़ा हो जाएगा, उस दिन देश की तरफ पाकिस्तान भी आंख उठाकर नहीं देख सकता। वादा है हमारा, इनके हाथ अगर आपने सौंप दिया तो साथियों एक दिन याद रखना इस देश के बंटवारे हो जाएंगे, कोई रोक नहीं पाएगा। इसलिए चौथी कली सुनिए इसकी। भक्त बने हिस्ट्री सीटर, इन शैतानों का क्या होगा। बच्चियां भी ये कर रही थी, जब घर घर हो भ्रूण हत्या फिर शमशानों का क्या होगा। और खुद माली रहा काट बाग फिर वीरानों का क्या होगा। जब खुद माली रहा काट बाग फिर वीरानों का क्या होगा। सुनो भाई मतलब निकलिया आंख बदल जा, मतलब निकलिया आंख बदल जा, मेरा मतलब निकलिया आंख, ऐसे एहसानों का क्या होगा। सरकार नहीं दे देश के हित में धनवानों का क्या होगा। जान दोष सताए जा,